हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अब्दुल और आप देख रहे हैं एज के टिप्स। दोस्तों स्वागत है फिर से आपका आपके चैनल पे। दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 1000 रुपये की हेल्प कैसे मिल सकती है, आपके अकाउंट में 1000 रुपये कैसे आ सकता है एक पार्टी जो आपकी हेल्प कर रही है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोरोना का लॉकडाउन पीरियड फिर से बढ़ गया है 2 हफ्तों के लिए, तो ये हमारा दूसरा महीना हो जाएगा स्टार्ट हुए हुए, तो आप लोगों को परेशानी तो ही होगी और समाज के उन मजदूर तबकों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, उन स्टूडेंट्सों को बहुत परेशानी हो रही है, उन पर्यटकों को बहुत परेशानी हो रही है जो अलग अलग स्टेट से अलग अलग राज्य में गए हुए थे। तो भारत सरकार ने उनके लिए ट्रेन चलाने की विशेष सुविधा का आगाज कर दिया है। आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन उस ट्रेन में आप कैसे सफ़र कर सकते हैं हर स्टेट वाले को अपने अपने हिसाब से उसका फैसला करना है और उसको रेलवे मिनिस्ट्री को बताना होगा, तभी वो रेल चलाएंगी। तो दोस्तों ये खबर उन लोगों के लिए जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिहार के हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर फंसे हुए हैं, अगर आपको अपने स्टेट बिहार में अगर जाना है तो आपको क्या करना होगा। लोगों को तो ये पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, वो स्टेशन के इधर भगते हैं, भीड़ लगा देते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा था मुंबई में वो घटना घटी थी, आनंद विहार में घटना घटी थी, ये सब खतरनाक घटनाएं हैं, ये तरीका नहीं है वापस जाने का। दोस्तों सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं आपको अपने घर वापस भेजने का। वैसे तो जिस स्टेट में है वो स्टेट आपकी हेल्प कर ही रही है। आपने पहली वीडियो बना रखी कि कौन से स्टेट में आपको कैसे हेल्प मिल सकती है, अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में आपको कैसे हेल्प मिल सकती है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिएगा। और लेकिन अगर फिर भी आपको अपने गांव जाना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि गांव जाने से पहले आपका वो स्टेट का जो भी मिशनरी होगा पहले आपका चेक करेगा ट्रेन में चढ़ने से पहले। अगर आप फिट रहेंगे तो ट्रेन में आपको बैठा ला जाएगा। ट्रेन में आपकी टिकट नहीं लगेगी, ट्रेन में आपको खाना भी भारतीय रेलवे देगा, ट्रेन की टिकट आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी, और जब आप अपने स्टेट में पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपका फिर से चेकअप होगा और आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा। उसके बाद आप ठीक रहते हैं फिर आपको अपने घर भेजा जाएगा। इस बीच में अगर आप में कोई बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो फिर आपका इलाज किया जाएगा और उस सेंटर में भेजा जाएगा जहाँ पर आप कोरोना का इलाज करा सकते हैं। तो इससे आप लोगों को 2 फायदा हो जाएगा। एक तो फायदा ये हो जाएगा कि आपका चेकअप हो जाएगा फ्री में, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अपने घर पहुंच जाएंगे फ्री में। लेकिन दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर आप एक बार अपने स्टेट चले गए तो उस जगह में वापस आने में आपको कुछ महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि हालात ठीक होने में अभी कुछ पता नहीं है। तो मैं आप लोगों से तो यही सलाह दूंगा कि आप जहाँ पे हो कुछ मैनेज करके रह लो, क्योंकि 1 महीने के बाद तो पक्का लॉकडाउन खुलेगा आराम से और आप काम करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार गांव चले गए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा वापस आने के लिए, फिर भी बहुत मजबूरी तो आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको क्या करना है अपने गांव जाने के लिए। तो दोस्तों बिहार सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं, कुछ रूल रेगुलेशन जारी किए हैं और कुछ अफसरों के नंबर उन्होंने पेपर में दिए हैं, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टेट के, आप जैसे आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में किससे बात करनी है, अगर आप यूपी में तो आपको किन सर से बात करनी है, अगर आप ऐसे किस स्टेट में राष्ट्र में हो, असम में हो या बंगाल में हो, तो आपको किन किन लोगों से बात करनी है, तो उनका मैं नाम प्रॉपर उनका मोबाइल नंबर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप अगर जिस स्टेट में भी वो अपना नंबर नोट करके आप उनसे बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके फिर वो जो टाइम आपको बताएंगे तब आपको स्टेशन के लिए जाना है और फिर वहाँ से आपके गांव वो ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए और नोट करिए। याना स्टेट में फंसे हुए अगर आप बिहार के हैं, मजदूर हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी XYZ है, आप हरियाणा में अगर फंसे हुए हैं तो हरियाणा के जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, नोडल ऑफिसर हैं, उनका नाम है दिवेश सेहरा। दिवेश जी हैं, IAS ऑफिसर है और इनका मोबाइल नंबर आप नोट करिए 8544404189। दिवेश जी का फिर से नंबर नोट कर सकते हैं, IAS ऑफिसर है 8544404189। अगर आप हरियाणा स्टेट में हैं तो आपको इन नोडल ऑफिसर से बात करनी है और इन्हें अपनी सारी अच्छे से प्रॉपर प्रॉब्लम बताइएगा, वो आपकी बिल्कुल कोऑर्डिनेट करें। मतलब लोग बिना बताए हुए स्टेशन पहुंच रहे हैं और मतलब कोऑर्डिनेटर जो गवर्नमेंट जिस स्टेट में रह रहे हैं उन लोगों को परेशानी हो रही है और इस बिहार का नाम भी खराब कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को संयम बरतना है। आप लोगों अपनी प्रॉब्लम रखेंगे प्रॉपर तरीके से आपका स्टेट मतलब बिहार आपको अपने स्टेट में वापस जरूर बुलाएगा और अगर आप बीमार हैं तो आपको ठीक भी करवा देंगे। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों एक और खबर जाते जाते बता देता हूं कि आप लोगों ने VIP पार्टी का नाम सुना होगा ना,
मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है, अगर आप गरीब हैं, मजदूर हैं, अगर आप बिहार से बाहर रह रहे हैं, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो आप लोगों को कुछ हेल्प कर रहे हैं, बाकी आपको मजबूर है। देखिए उनके पास भी इतना फंड नहीं है क्योंकि वो सरकार में नहीं है, वो केवल आपकी हेल्प करने के लिए वो एक फंड राइज कर रहे हैं, हजार हजार रुपए दे रहे हैं इमरजेंसी के लिए। तो आप लोगों को अगर वो पैसे लेने हैं, मजदूर हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस फॉर्म को ऑनलाइन भर दीजिए, अपना डिटेल दे दीजिएगा, वो आपके अकाउंट में पैसे भेज देंगे। वीआईपी पार्टी वालों ने आप लोगों के हेल्प के लिए ये अभी राइज किया है फंड, और बहुत मजबूरी है तो आप वो फॉर्म को भर के, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपका एक वैलिड अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट अगर होगा वो अकाउंट में ही पैसे भेज रहे हैं, कोई कैश तो देंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर आप बिहार से हैं और आपको वापिस अपने शहर जाना है तो क्या करना है, ट्रेन आपको कैसे मिलेगी, और ट्रेन को लेने के लिए आपको किन से कॉन्टैक्ट करना है। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइएगा ताकि वीडियो से आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों के साथ जो अदर स्टेट में फंसे हुए हैं। अगर आप बिहार के हैं तो अपने एक बिहारी भाई का हेल्प करिए। वीडियो आपके बीच आती रहे, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे, जब तक कोरोना है तब तक आपको नहीं रोना है, क्योंकि भाई सरकार मदद फुलफिल कर रही है आप लोगों की। चाहे टाटा सी यू शेयर करके ख्याल, और घर में रहिए, बहुत ज़रूरत पड़े तो घर से बाहर निकलिए।